फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं कई दिनों में सोच रहा था ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर हम घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट किया जाए। और वैसे भी यहाँ पर घूमने की तो यूएई के अंदर काफ़ी अच्छी जगह है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर तो ये सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी कि किस चीज़ पर यहाँ पर कहाँ से स्टार्टिंग की जाए। तो मुझे स्टार्ट का मैंने सोचा आज मैं घूमने के लिए जाना है और छुट्टी भी चल रही है, मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है। तो मैं यहाँ घूमने के लिए निकला तो मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट किया। ऐसे मैं कई दिनों से सोच रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें क्या। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया और मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर। तो आज मैंने सोचा यहाँ पर पहले डेजर्ट एरिया जितना भी यहाँ पर है मैं जाऊँगा कुछ देर के लिए, क्योंकि रूम में बोर हो गया। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉगिंग स्टार्ट की जाए। यहाँ पर पूरा डिजर्ट एरिया ये देखो, और इस टाइम शाम का टाइम है, अंधेरा काफ़ी है क्योंकि लाइट पड़ रही है इस मोबाइल पर। यहाँ ये देखो, और मेरे कैब भी डिजर्ट ये किसी कलर की है, दोनों मैच कर रहा है ना। हाँ ये देखो, ये पूरा है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आज के आज से मैंने स्टार्ट कर दिया डेली, अब इस पर वीडियो मिलेंगी आपको। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली जो अपडेट हो मैं आपको देता रहूँगा और आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी आपको उसी तरीके से। यहाँ पर कल हो सकता है कहीं बीच वगैरह पे जाना होगा, अभी हम तो नहीं बता सकता किस बीच पे जाना होगा, कहीं बीच पे या किसी और जगह, वहाँ के भी वीडियो अपलोड करता हूँ। हाँ पर देखो यहाँ पर सब डिजर्ट एरिया, आप पूरा पेड़ भी बहुत कम होते हैं यहाँ पर, जितने पेड़ मिलेंगे यहाँ पर पेड़ भी देखो बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ बबूल हो गया, दो तीन तरीके के पेड़ हैं जो एवरी टाइम मिलेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कितनी गर्मी है क्या है, कभी ख़राब ही नहीं होते। पता नहीं नेचर की तरफ से किस तरीके से बने हुए हैं, बाकी सारे पेड़ घास सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। मौसम इस टाइम बहुत अच्छा है, तो अब सब पहले से तो काफ़ी चेंज हो गया यू ही वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा हो गई, पेड़ वगैरह यहाँ प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अब मौसम भी काफ़ी चेंज हो रहा है यहाँ पर। ये देखो पीछे कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ पर, मैं ऊपर आ गया, मेरा पैर ना फिसले नीचे जाने से। ओह शिट, ओह सही आ गया, क्लियर है। ये देखो मेरा पीछे का व्यू कितना बेहतरीन, यहाँ पर ये डिजर्ट एरिया, पूरा डिजर्ट एरिया है यहाँ पर। थोड़ा धूप पड़ रहा है मेरे कैमरे पर इसलिए क्लियर नहीं आ पा रहा मेरे कैमरे की भी, क्योंकि इधर पीछे बैक साइड में सूरज है तो उसकी रोशनी पड़ रही है ना थोड़ा, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा। देखो मैं यहाँ पर अभी बैठा हुआ हूँ, इधर कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पर, ये देखो बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पर। देखो ये पूरा डेजर्ट एरिया है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ देखो वो पेड़ दिख रहा है, एक आपके सामने दिखता होगा पेड़, और एक ये देखो मेरे पीछे पेड़ है, ये देखो वो इस तरीके के पेड़ होंगे दूर दूर पर। लेकिन अभी मौसम ठंडा है इसलिए अभी सारे जो सब हरियाली दिखाई दे रही है, को लगभग दो तीन महीने बाद ये बहुत कम हो जाएगा, यहाँ ये हरियाली सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ गर्मी काफ़ी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए रुक पानी होता नहीं है इतना यहाँ पर, थोड़ी बड़ी मुश्किल। गर्मी भी नहीं है बिल्कुल भी, एक नॉर्मल मौसम है।
हाँ बिल्कुल, धूप धूप है लेकिन धूप में इतनी गर्मी नहीं है जैसे पहले गर्मी होती है। जून जुलाई में बहुत बहुत गर्मी होती है। इस टाइम पे तो ये समझ लो बाहर निकला भी नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है दुबई के अंदर। इस टाइम मौसम बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, तो बस कोरोना का थोड़ा ज़्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि मौसम चेंज हुआ। मौसम चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो उसमें जाड़ा बुखार कर, मुझे भी अभी कुछ दिनों पहले मुझे भी प्रॉब्लम हो गया था, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अब रेत और ये डिज़र्ट एरिया पूरा, मेरे पीछे यहाँ पूरा ही डिज़र्ट एरिया है पूरा यहाँ पर। यहाँ कहीं कहीं पर इस तरीके के पेड़ होते हैं, ये देखो। ये बबूल है यहाँ पर, इस तरीके की बबूल होती है और बस कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बबूल मिलेगी यहाँ पर चारों तरफ। यहाँ पर सब तो बबूल है, शोर बहुत हो रहा है क्योंकि यहाँ पास में कंपनियाँ हैं, कंपनियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए आपको भी आवाज़ देती आती होगी, मशीनों की आवाज़ आती होगी आपको बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सब पूरा ही डिजर्ट एरिया है, सब देखो यहाँ पर पूरा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर घूमने में बहुत मज़ा आता है डेजर्ट एरिया में, यहाँ पर सब रहती रहता है। जितना आप देखते होंगे मेरे पीछे दूर तक, सब ये डेजर्ट एरिया है यहाँ पर। बढ़िया से यहाँ पर आपको देखता होगा, लड़के धूप ज़्यादा इसलिए नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, क्रिकेट चल रहा है यहाँ पर। रूम पर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया घूमते हुए।